नमस्कार, मैं हूं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये आप सबके लिए एक दिवाली गिफ्ट लेकर आया हूं। दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को, और एक प्यारा सा गिफ्ट। गिफ्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ज्ञान दूंगा, नॉलेज दूंगा, उस पर आप लोग ध्यान दें। इससे बड़ी गिफ्ट कुछ हो नहीं सकती। तो आज हम बात करेंगे उन भाइयों के लिए, उन बंधुओं के लिए जो चाय के व्यापार करना चाहते हैं, चाय के बिजनेस में आना चाहते हैं, परंतु उन्हें ये पता नहीं होता है कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से चालू करें, कितनी पूंजी लगेगी, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से अच्छी क्वालिटी की और सस्ती चाय खरीदेंगे। तमाम इस तरीके का उनके मन में ये प्रश्न होती है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। वीडियो को बीच में ना छोड़ के जाएं, आधा अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। आपको नहीं देखना है तो अभी आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, इसको सेव कर लें और देखें और समझें। कुछ भी क्वेश्चन आती है मन में, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे जुड़े रहें। इस बार मैं अपने ऑफिस का नंबर प्रोवाइड करूँगा जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल करिए, कभी भी कॉल करिए, ये कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी झिझक का हम सारी सहायता देंगे और आशा करते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा से अच्छा बिल्डअप हो और होते रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप करो, स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि ये समय निकल गया, वैसा कुछ नहीं। आज और इसी वक्त से आप सोचो, समझो और चालू कर दो। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिख रखी हैं, हाउ टू स्टार्ट टी बिजनेस, चाय का व्यापार कैसे करें। अब देखिए, इसमें बहुत सारी व्यापार की कैटेगरी है, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, टाइप ऑफ टी बिजनेस, किस तरीके का, कितने तरह का आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग में क्या आती है, जिसकी टी प्लांटेशंस हैं, फैक्ट्रियां हैं, और उनकी काम है सिर्फ चाय बनाना। अब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कई तरीके की होती हैं। आजकल ब्रॉडलीफ टी फैक्ट्री भी हो रखी हैं। ब्रॉडलीफ टी फैक्ट्री मतलब किसान पत्तियाँ उगाते हैं और उस चाय बनाते हैं। फैक्ट्री किसी और की होती है और लीफ प्रोडक्शन कोई और करता है, कच्ची पत्तियों का उत्पादन कोई और करता है और सिर्फ चाय बनाते हैं। और एक फैक्ट्री बोलिए या एक ऐसा गार्डन हो गया जिसकी अपनी प्लांटेशन होती है, चाहे वो उनकी खुद की ज़मीन हो या गवर्नमेंट से लीज ली हुई ज़मीन हो, और ये सैकड़ों सालों से चली आ रही है, ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ चाय बनाना होता है। वो चाय CTC हो सकती है, ब्लैक टी हो सकती है, ग्रीन टी हो सकती है, ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, ओलोंग टी हो सकती है, वाइट टी हो सकती है, दार्जिलिंग टी हो सकती है। हर तरह के अलग अलग स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरर हैं, तो इनकी भी बिजनेस की जा सकती है। लेकिन ये एक लार्ज स्केल की बात है, ये इसमें बहुत सारी पैसे की इन्वॉल्वमेंट की बात है, और ये इसकी बिजनेस केवल टी रीजन में ही हो सकती है, जहाँ पे जो चाय उत्पादक क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, डुआर्स हो गया, तराई हो गया, कुछ साउथ इंडिया का पार्ट है, इस तरीके से जहाँ पे टी ग्रोइंग एरिया है वहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। इस पर ज़्यादा विस्तार से मैं बात नहीं करूँगा, इसके लिए हम लोग अलग बात करेंगे कभी। दूसरी है ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस एक इंडिया में हर जगह की जा सकती है और इसकी बिजनेस लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस जो है, ट्रेडिंग में नॉर्मली क्या होती है, खुली पत्तियों को लॉट वाइज चाय को खरीदते हैं और उसको होलसेल करते हैं, उसको बैक टू बैक बेचते हैं। कुछ लोग छोटे ट्रेडर भी होते हैं, कुछ लोग बड़े ट्रेडर होते हैं। तो जो टी रीजन में है, लाइक गुवाहाटी में है, दार्जिलिंग में है, या सिलीगुड़ी में है, कलकत्ता में है, तो वो ट्रेडर बड़े ट्रेडर होते हैं और ये लॉट वाइज जस्ट मैन्युफैक्चरर से चाय लेते हैं, उनको बेच देते हैं, अपनी प्रॉफिट लेके बेच देते हैं। तो ये ट्रेडिंग में भी अच्छी खासी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो इंडिया के अलग अलग
राज्यों में है, अलग अलग शहरों में है, छोटे लेवल के ट्रेडर्स हैं, तो वो लोग भी चाहे मैन्युफैक्चरर से या किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं और उनकी ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तीसरी टॉपिक है हमारा ऑक्शन एंड प्राइवेट ब्रोकर्स या बायर्स, इसको ब्रोकर भी बोलते हैं और बायर्स भी बोलते हैं। तो ये भाई लोग क्या करते हैं, देखिए कुछ ऑक्शंस ऑक्शंस के रजिस्टर्ड बायर होते हैं, इसमें रजिस्टर्ड बायर कोई भी हो सकता है, उसकी कुछ मापदंड है, कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज है, तो उसको पूरा करने के बाद से हो सकता है। तो ऑक्शन बायर या प्राइवेट बायर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये खुद की ट्रेडिंग के जैसा भी काम करते हैं। ये करते क्या है, ऑक्शन से चाय लिए और उनको बेच दिए, या किसी के लिए चाय खरीदे उनको दे दिए, बीच में कमीशन रख लिए। प्राइवेट में भी सेम काम है, किसी के लिए चाय खरीदते हैं और उसको उनको दे देते हैं, बीच की ब्रोकरेज रख लेते हैं। अब ये जो कमीशन की बात है, ये मैन्युफैक्चर भी देते हैं और जो बाइंग करते हैं, जो माल खरीदते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी इंटरनल मैटर है कहाँ से क्या लेते हैं। इसमें ऑक्शन में तो देखिए ट्रांसपेरेंसी तो मिलती है, लेकिन प्राइवेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, कितनी की चाय आई, कितनी की बिकी, भाई सिंपल सी बात है, उनकी पैसा लगाया तो थोड़ा सा प्रॉफिट तो लेंगे ही। एनीवे, अब फोर्थ टाइप का जो बिजनेस है ये है टी पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं किसी भी मोड से चाय खरीदते हैं, उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, अपने पैकेट में उस चाय को भरते हैं और उसकी लेबलिंग करते हैं, उनकी ब्रांडिंग करते हैं और मार्केट में उतारते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, टाटा की चाय ले लीजिए, लिप्टन है, ब्रुक बॉन्ड है, ताज़ा है, मोहिनी है, मार्बल है, बाग बकरी है, इस तरीके से बहुत सारे छोटे ब्रांड भी हैं, बड़े ब्रांड भी हैं। ये लोग चाय को खरीदते हैं ऑक्शन से, प्राइवेट से, मैन्युफैक्चरर से, उनकी ब्लेंडिंग करते हैं और उनकी अपनी पैकेजिंग करते हैं और मार्केट में बेचते हैं। अब इनमें छोटे बड़े तो सब हैं, लेकिन एक बड़ी प्रोसेस इसमें है एक ब्लेंडिंग की, जो ब्लेंडिंग, टी टेस्टिंग, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है इस सब काम के लिए। अदरवाइज़ आपकी जो प्रोडक्ट में वेरिएशन हो सकती है, कभी अच्छी चाय कभी ख़राब चाय। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है रिटेलर। ये देखिए रिटेलर क्या हो सकते हैं, लूज टी और पैकेट टी, ये छोटे व्यापारी भी होते हैं, वही लूज में चाय खरीदे और उनको बेचें, अपनी छोटे लेवल पर पैकेटिंग भी करते हैं, छोटी सी लेबलिंग भी कर देते हैं, कोई स्टिकर लगा देते हैं। तो इनको तो देखिए, मैं तो इनको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, बड़े कंपनियों की बात अलग है, इनको मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, ये काफ़ी मेरे प्यारे लोग भी हैं। तो इनको अच्छी क्वालिटी की चाय पहचाने और अपने पैकेट्स में भरते हैं, पैकेटिंग करते हैं, बेचते हैं या लूज में बेच देते हैं। अब कुछ कुछ रिटेलर अपनी खास क्वालिटी के लिए जानी जाती है, मैं ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स को जानता हूँ जिनकी क्वालिटी मतलब सैकड़ों साल से चली आ रही है, वो कई जनरेशन से बेच रहे हैं चाय, लेकिन लाजवाब क्वालिटी है, वो आलतू फालतू क्वालिटी बेचते नहीं है। जैसे किसी भाई फलना जगह का जलेबी बहुत फेमस है, फलना जगह का मिठाई खाओ बहुत फेमस है, ऐसा है ना, उस तरीके से ये भी अपना एक ब्रांडिंग कर रखे हैं। एक और बिजनेस है टी एक्सपोर्ट का। देखिए इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में चाय विदेशों में भेजी जाती है, इसके लिए बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं जो यहाँ की चाय बाहर भेजते हैं, चाहे वो सिटी सी चाय हो, दार्जिलिंग चाय हो, ग्रीन टी हो, अच्छी क्वालिटी की चाय भेजते हैं। हर देशों की अलग अलग मापदंड है, कहीं पे ऑर्गेनिक चाय होनी चाहिए, एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कोई भी केमिकल्स ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन देशों में बैन हो। तो बहुत सारी इसकी प्रोसेस है, कहीं पे सस्ती चाय भी चली जाती है, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहाँ पे बल्क में सस्ती चाय जाती है। तो एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अब इन सब के लिए चाय का तो नॉलेज होना ही चाहिए, प्लस आपको उस फील्ड में आपको माहिर भी होना चाहिए। और एक छोटे भाई लोग हैं, लेकिन कुछ लोग तो ज़बरदस्त मार्केट में भूचाल ला दिए हैं, जैसे बहुत सारे
महाराष्ट्र में मैंने सुना इधर भी है टी जंक्शन वगैरह करके, जो टी स्टॉल छोटे लेवल पे भी है और टी कैफे भी है। बहुत ऐसे भी ब्रांड हैं जिनकी चेन ऑफ स्टोर है, मतलब हर शहरों में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कस्बों में ये छोटे छोटे स्टॉल खोल रखे अपने ब्रांड नेम पे, और अच्छी क्वालिटी की चाय मेंटेन करते हैं और उनकी कैफे पे अच्छी खासी रेट में चाय बिकती है। तो इनकी थोड़ी सी वहाँ की एमिनिटीज़ है, इन्वायरमेंट है, सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लो, वहाँ की एक माहौल की बात कर लो थोड़ी सी अच्छी होती है। जैसे आप डोमिनो की बात करो, KFC है, सबवे है, इस तरीके का उनकी कॉन्सेप्ट होती है। तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें स्कोप भी अच्छी है। और छोटे लेवल पे भी कुछ ऐसे टी स्टॉल भी हैं जो किसी भी फुटपाथ के या छोटे दुकानों पे बैठे हुए हैं, वो भी अच्छी खासी चाय बेचते हैं और भाई साहब लाखों में कमाते हैं, MBA चाय वाला जो भी है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो उनकी भी एक कुछ ना कुछ पॉलिसी है, कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसी है, कुछ उनकी अपनी रेसिपी है, लेकिन इन सबसे बड़ी रेसिपी एक ही है, इनको आप लोग गांठ बांध लीजिए। अगर भाई साहब प्रोडक्ट में दम नहीं रहा तो सब फेल है। समझो प्रोडक्ट होता क्या है, चाय होती क्या है, क्वालिटी किसको बोलते हैं। सिर्फ गर्म मसाला डालने से चाय नहीं बन जाता है, चाय में चाय पत्ती का ही मेन रोल है, बाकी तो सब दिखावा है। तो इसलिए चाय का जानकारी आप लोगों को होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट पे आगे भी चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि जितने भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग बोलिए, मतलब जितने भी टाइप ऑफ बिजनेस हैं, उस बिजनेस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है प्रोडक्ट का। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम किस प्रोडक्ट को लेके बिजनेस प्रारंभ करें। अब देखिए प्रोडक्ट में आपको माहिर तो होना ही पड़ेगा, लेकिन अपने मार्केट के नीड के हिसाब से, आपके मार्केट में क्या चल रही है, आपकी मार्केट के नीड क्या है, आपके कंपटीटर कौन कौन से हैं, इन सब का एनालिसिस करिए और डिसाइड करिए कि हम किस तरीके का बिजनेस करें जिससे अच्छी तरीके से चल सके। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त सारी उन पैरामीटर को आप पास कर लीजिए जो आपके मार्केट में फिट बैठता हो। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप ब्लैक टी, CTC टी कर सकते हैं, मोस्ट पॉपुलर है, काफ़ी इजी है, सस्ती मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी भी इसमें आती है। ऐसी बात नहीं है सस्ती, सस्ती का मतलब ख़राब नहीं बेचिए भाई, ख़राब का मैं डेडली अगेंस्ट में हूँ, बिजनेस डूब जाएगा, शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना है। तो CTC टी आप ऑर्थोडॉक्स टी जो है, अब देखिए ये सब चाय के बारे में समझना है तो मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखिए जिससे आपको समझ में आए कि CTC टी क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्या है, ग्रीन टी क्या है, ये सारी हम चर्चा करेंगे। और आने वाले वीडियोस में इस तरीके का तमाम जानकारियां मिलेंगी, मैंने बताया था ना, सारी जानकारियों को निचोड़ कर रख दूंगा जो भी हो। तो ऑर्थोडॉक्स टी हो गया, ये भी ब्लैक टी कैटेगरी में आएगी। ग्रीन टी का करेंगे, ओलोंग टी करेंगे या आप दार्जिलिंग टी करेंगे, आप कोई भी चाय का बिजनेस करें, इनमें से आप सिलेक्ट करिए पहले कौन सा करना है। CTC मोस्ट पॉपुलर है, हर गली चौराहे इंडिया में तो इसमें आग लगी हुई है। ऑर्थोडॉक्स चाय, इसमें ब्लैक टी की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मली CTC में ब्लेंड की जाती है, कुछ लोग इंडिविजुअल भी पीते हैं, इसमें सस्ती भी होती है और महंगी भी होती है, 2,000-4,000 किलो तक भी होती है। ग्रीन टी का पॉपुलरिटी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है, हेल्थ कॉन्शियस लोग ग्रीन टी को पीते हैं, ग्रीन टी की अच्छी पहचान करके ग्रीन टी के बिजनेस कर सकते हैं। ओलोंग टी ये एक स्पेशल तरीके का चाय में आती है, इसकी मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिनको इसके बारे में पता है वो
जरूर खरीदते हैं, जहाँ से भी खरीदें खरीदते हैं और मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। दार्जिलिंग टी ये भी काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड है, विश्व में प्रसिद्ध है और ये सब चाय में दूध वगैरह मिलाते नहीं हैं, इसकी अपने आप में एक अलग ही फ्लेवर होती है, इसकी अलग ही मज़ा है। तो खैर इस प्रोडक्ट के बारे में भी मैं नहीं बताऊंगा कि भाई प्रोडक्ट में क्या 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 खासियत होती है, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन प्रोडक्ट में किसका बिजनेस आप करें। तो सबसे पहले आप किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं उससे पहले आप उस प्रोडक्ट में जानकारी हासिल करिए, बिना जानकारी हासिल किए कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। इंजीनियर बनने के लिए कई कई साल पढ़ना पड़ता है तब इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनने के लिए 5 साल MBBS करो, फिर MD करो, फिर दुकान चलेगा नहीं चलेगा बहुत मेहनत है तब डॉक्टर बनता है ना। तो इस तरीके से लॉयर भी बढ़िया वकालत करने के लिए कुछ तो घूमते रहते हैं, 200-400 में काम कर लेते हैं और कुछ तो पूछो मत, वो तो बड़े बड़े केस लड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि आप अपने प्रोफेशन में, अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस में आप जानकारी हासिल करें। आप शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं हो सकता। तो ये जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी तो बिजनेस करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हैं और बता दें चाय तो एक ऐसा बिजनेस है, मैं तो मानता हूँ 5,000 से भी आप 5 करोड़ बना सकते हैं। सोचिए कैसे, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, छोटे बड़े सब कर सकते हैं, बशर्ते उनको मार्केट का समझ हो, क्वालिटी का समझ हो और प्रोडक्ट का नॉलेज हो। ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फूड प्रोडक्ट है, हर घरों में चलता है, हर जगह लगता है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन करिए और उसके बाद से आप उसकी बिजनेस प्रारंभ करें। अब इसमें हम बात करेंगे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो लाइक पैकेटिंग वगैरह का बारे में, होलसेल के बारे में, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। तो एक तो जो होलसेलर जो होते हैं किसी भी जगह पे हो सकते हैं और इनको अपने मार्केट के नीड के हिसाब से डायरेक्ट किसी फैक्ट्री से, किसी अच्छे ब्रोकर से, बायर से चाय ले सकते हैं और उनको अगर नॉलेज की कमी है तो किसी एक टी कंसल्टेंट से, जो एक टी टेस्टर है, टेस्टर बोलिए, ब्लेंडर बोलिए या कंसल्टेंट बोलिए, किसी से जो इन सब माहिर है उनसे क्या करिए, कंसल्टेंसी लीजिए कि भाई साहब मुझे बताइए ये चाय ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसकी प्राइस सही है, इसकी वैल्यूएशन सही है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। खुद से देखिए, थर्ड पार्टी का सर्विस लेने में नुकसान क्या है, मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, कोई शारीरिक बीमारी हो गई, अब मैं सोचूंगा कि मैं खुद डॉक्टर बन के इलाज कर लूँ, नहीं पॉसिबल है। किसी केस में फंस गए तो मैं क्या करूँगा, किसी लॉयर को, अच्छे लॉयर को हायर करूँगा, भैया इस प्रॉब्लम हो गई उसे ठीक कराओ, जिताओ। कोई बीमारी होगी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँगा कि खुद डॉक्टर बनूँगा। तो इसलिए आप किसी भी ट्रेंड प्रोफेशनल से सर्विस लेने में हिचकिचाइए मत, वो आपको मार्गदर्शक करेगा, किसी को गुरु बना लीजिए, थोड़ी सी दक्षिणा लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बिजनेस आगे बढ़ेगा ना। हर जगह पूजा भी कराते हो तो गुरु लगता है, कुछ भी काम करो तो एक बिना गुरु का ज्ञान अधूरा होता है। तो आप होलसेल कर रहे हैं चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो इन सब का ज्ञान हासिल करिए, टेस्टिंग, ब्लेंडिंग, पैकेजिंग के बारे में सीखिए, अच्छी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए। ये पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, ऐसा नहीं कि अगले साल का प्रोडक्ट इस साल दे दिया फंस गए, वैसा नहीं। उसकी एक्सपायरी डेट चेक करिए, उसके लॉट नंबर देखिए, इनवाइस नंबर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग का सीजन क्या है, रीजन क्या है, बगानों के बारे में समझिए, किस गार्डन की कौन सी चाय अच्छी होती है, किस गार्डन की चाय कब अच्छी आती है, कब खराब आती है,
तो इन बहुत सारी बातें हैं, इनको समझना पड़ेगा। ये आपके जो भी कंसल्टेंट होंगे आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद का नॉलेज होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि ये बस इतना काफ़ी है, मार्केट में कहाँ बेचेंगे कैसे बेचेंगे उनको खुद 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 से देखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, लाइक आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, ट्रेड लाइसेंस वगैरह है, फसाई का है, आपका जीएसटी नंबर है, ये सब पे भी चर्चा करेंगे किन किन कागज़ों की आवश्यकता होती है एक अच्छे से लीगल तरीके से बिजनेस करने के लिए। तो इस पे भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। सबसे हॉट बिजनेस जो है वो रीपैकर का। देखिए रीपैकर्स क्या करते हैं, सेम वही कहानी है, बागानों से, ऑक्शन से या किसी प्राइवेट बायर से चाय लेते हैं और उसको ब्लेंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया ब्लेंडिंग हो गया, ब्लेंडिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। ब्लेंडिंग करेंगे और उसकी एकदम ऐसी ब्लेंडिंग, मतलब ब्लेंडिंग का मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लिए, नहीं, ब्लेंडिंग का मतलब है एक सही रेट में सही क्वालिटी बनाए रखना, एक सही रेट में सही क्वालिटी बनाए रखना। इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, ब्लेंडिंग पे जब हम चर्चा करेंगे या नॉर्मली हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में सब डिस्कस करते हैं सब चीज़ों का, ये चैप्टर बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मैं अभी बेसिक ही बता रहा हूँ। तो देखिए ब्लेंडिंग करना अति आवश्यक है रीपैकर्स जो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, अपने ब्रांड में कोई चाय बेचना चाहता है। उसके अलावा उसको एक सफिशियंट स्टॉक भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बाद में जब स्टॉक लेने गया तो ब्लेंडिंग कितना भी किया वो क्वालिटी नहीं आया, क्योंकि चाय का एक रीजनल और सीजनल इफेक्ट भी है। ऐसा नहीं कि आसाम की चाय ले लिया काम चल जाएगी, नहीं, आसाम में भी फर्स्ट फ्लश है, सेकंड फ्लश है, रेनी फ्लश है, ऑटम फ्लश है, वहाँ भी सीजन के हिसाब से चाय की क्वालिटी में फर्क आती है, ये सब समझना पड़ेगा आपको। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है, ब्लेंडिंग के बाद से आप किसी भी साइज में आप चाय को पैक कर सकते हैं और उसको मार्केट में उतार सकते हैं, चाहे वो 10 रुपये वाला पाउच हो, 5 रुपये वाला पाउच हो, या 50 ग्राम वाला हो, या आपका 100 ग्राम का हो, वेरियस शेप एंड साइज में निकाल सकते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो जस्ट एक पैकेट लीजिए, उसमें एक लेबल लीजिए, बनवाइए और लगा दीजिए। इतना ध्यान जरूर रखिए भैया, चाय बेचेंगे तो क्वालिटी, लोगों को हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करेंगे, देंगे तो अच्छी चाय देंगे, शाम से बिजनेस करेंगे लेकिन अच्छी करेंगे। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, सच्चाई में तो है ना, सच का रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन सही होता है। तो अच्छी चाय लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और आप एक मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग करके आप ये सब रीपैकर्स क्या करते हैं, सब चाय को पैक करते हैं। अब ब्लेंडिंग प्रोसेस के लिए वो लोग क्या करते हैं, अगेन किसी टेस्टर या ब्लेंडर की सर्विस लेते हैं। अब बड़े बड़े कंपनियां हैं, टाटा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ये लोग क्या कर रखे हैं, ये अपनी एक अलग ही डिपार्टमेंट बना रखी हैं जिनका काम है टी परचेजिंग करना, उसकी उसकी ब्लेंडिंग करना, उसकी क्वालिटी का असेसमेंट करना, और उनकी अलग अलग यूनिटों में वो पैक होती है जिससे एक सही रेट में एक सही क्वालिटी दे सके। ब्लेंडिंग प्रोसेस में बहुत सारी गहराई की बात है, इसमें हर्बल्स ब्लेंड होते हैं, मसालों के साथ ब्लेंड होते हैं, चाय टू चाय ब्लेंड होता है, छोटे ग्रेड के साथ छोटे बड़े ग्रेड होते हैं, छोटे ग्रेड का ब्लेंड होता है, मतलब बहुत सारी कहानियां हैं। तो अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद आप एक ब्लेंडिंग मतलब एक रेसिपी, एक ऐसा कुछ यूनिक चीज़ बना देना जो मार्केट में तहलका मचा दे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इन सब के लिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अभी मैं बात करूंगा उन छोटे व्यापारियों के लिए जो हमारे देश के शान है,
अर्थव्यवस्था में उनकी बहुत बड़ी योगदान है, मोदी जी भी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, है ना। तो अभी मैं बात करूंगा जो भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स की बात कर लो, टी स्टॉल वालों का बात कर लो, हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। चाय टपरी वाले की बात कर लो या छोटे हॉकर्स की बात कर लो, जो भैया 5 पैकेट चाय खरीदे और 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इनमें मैं बता दूं कि 5,000 से भी बिजनेस आप आरंभ कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, और 5,000 से लाखों तक करोड़ों तक जा सकते हैं। एक सिलीगुड़ी का स्टोरी है, एक व्यक्ति नाम नहीं बताऊंगा, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता था। प्लेटफॉर्म मीन्स वैसा सही नहीं, चाय बना के नहीं ना, यहाँ पैकेट में चाय, आधा किलो 1 किलो की चाय, आने जाने वाले जो पैसेंजर होते थे ट्रेनों में उनको चाय ले लो, चाय ले लो, चाय ले लो, दार्जिलिंग की चाय है, असम की चाय है, अगला बेचता था। आज वो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, ज्यादा नहीं हुआ देखते हुए 15-16 साल की बात है, 15-16 साल के अंदर में आज 5-6 फैक्ट्रियों के मालिक है। उसकी टर्नओवर शायद मेरे ख्याल से 1,000 करोड़ के आसपास तो होगी ही। तो जो भी है, अब ये जो बिजनेस है इनमें आप अच्छी चाय का सिलेक्शन करिए, आप छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करिए और अच्छी तरीके से आप ट्रेनिंग लीजिए, आप समझिए कि कौन सी चाय लेनी चाहिए और कौन सी चाय नहीं लेनी चाहिए। सस्ता के पीछे मत भागिए, सस्ता के पीछे भागेंगे आप कुछ दिन ही टिक पाएंगे, क्वालिटी के पीछे भागिए, सस्ता ज़रूर देखिए, नाजायज़ कोई दाम ना ले, जायज़ दाम ले, लेकिन उसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे। सबसे बड़ा भ्रम लोगों के अंदर क्या होता है, देखिए अगर आप 1 केजी चाय आपने परचेज किया, अगर मान लीजिए कि ये 300 रुपये किलो आपने परचेज किया होलसेल में, और दूसरा 1 किलो आपने परचेज किया वो कितना लिया, मान लीजिए कि 150 रुपये किलो आपने परचेज किया आधा दाम में। होता क्या है, अगर ये 150 किलो वाला जो चाय है अगर 1 महीना चल रहा है किसी भी फैमिली में, और ये 300 वाला चाय जो है 2 मंथ, देखिए अब इसमें क्या है, इसकी क्वांटिटी भी कम लग रही है और टेस्ट, हेल्थ बेनिफिट ये सब तो फ्री में मिल रही है, एक सेटिस्फेक्शन भी आ रही है। और ये सस्ती चाय, पत्तियां भी ज़्यादा डालो और उसके अंदर में अनाप शनाप केमिकल्स, अनाप शनाप जो इन्फीरियर क्वालिटी की जो इफेक्ट है हमारे शरीर के ऊपर में वो तो आती ही आती हैं, तो हम इसको क्यों नहीं करें। देखा जाए तो दोनों का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो सेम है, 1 महीने में 1 किलो खर्च करोगे ये 500 ग्राम में काम हो जाएगा, क्योंकि कम, देखिए अच्छी चाय की करेक्टर ही होती है, वो कलरी आएगी, टेस्टी आएगी, उस स्ट्रांगनेस ज़्यादा होगी और उसमें एक सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अच्छी चाय से स्टार्ट करें, थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी प्राइस को लेकर के, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि आपका बिजनेस डूबेगा नहीं, कोई कस्टमर कंप्लेन नहीं करेगा। आप मेहनत करके अगर 4 कस्टमर को बेचोगे ना तो कम से कम बोलेगा नहीं भाई साहब माल तो बढ़िया है, थोड़ा सा दाम ज़्यादा है, इतना ही बोलेगा। घटिया क्वालिटी दोगे दूसरा बार लेना बंद कर देगा, बोलेगा सस्ता तो था लेकिन बेकार दे दिया, ये नहीं चलेगा, दोबारा मत आना। तो इस तरीके से बिजनेस ख़त्म। तो जितने भी रिटेलर्स हैं या टी स्टॉल वाले हैं, अपने एरिया के हिसाब से आप चाय का सिलेक्शन करिए, समझिए, पूछिए, जानिए कि कैसे क्या करना है, चाहे वो होटल्स के लिए हो, डोमेस्टिक के लिए हो, किसी राशन दुकान के लिए हो, या किसी भी तरीके से आप चाय लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को जानना ज़रूरी है जिससे कि आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगा सकते हैं। तो ये 5,000 रुपये से आप 5 लाख साल के अंदर ही बढ़ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा
दिमाग लगा के काम करे तो इतनी इसमें ज़्यादा मार्जिन हो सकती है, प्रॉफिट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए, नो नो नो, पैसा की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस के लिए मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए और आपके डेडिकेशन चाहिए। तो इस तरीके का बहुत सारे जानकारी मैं देते रहूँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो रहे होंगे। देखिए कुछ जानने वाली चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग ज़रूर होती है, लेकिन लाइफ चेंजिंग होती है। आप लोगों को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे वीडियो तो देखते रहिए, छोड़िए मत, अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। सारे वीडियोस के देखिए, छोटी छोटी जानकारियाँ मैं छोटी छोटी वीडियो में देते रहता हूँ। लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, मुझसे बात करिए, कॉन्टेक्ट करिए, आपको सारा सपोर्ट देंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए एक पैसा मैं कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। ये मेरा चाय शिक्षा अभियान का शुरुआती दौर है। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।